भस्त्रिका, श्वास लेते हुए हाथ को बलि की जाना और छोड़ते हुए नीचे लाना। पहले गिनती के साथ करेंगे, वन में श्वास लेंगी, टू में निकालेंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी ट्वेंटी। डू कंटिन्यू लगातार करें। जितना समय आपको श्वास लेने में लगे उतना ही समय श्वास को निकालने में। न तो श्वास को लेने में कंजूसी करेंगे और न श्वास को निकालने में। शत प्रतिशत श्वास को भरना है और शत प्रतिशत श्वास को निकालना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु आपके लंग्स में जाए। लंग्स के माध्यम से ब्लड रक्त में और रक्त के माध्यम से एक एक कोशिका ये पूरा सांस भरे और पूरा निकाले। चेहरा नहीं बनाना है, कमर सीधा रखना है बिल्कुल और करते हुए ऐसा चेहरा नहीं बनाना, खिले खिले करना है और नहीं अपने कंधे को ऊपर नीचे करना है। बहुत अच्छा है फेफड़ों से संबंधित समस्याओं के लिए, सर्दी जुकाम खांसी अस्थमा ब्रोंकाइटिस बीपी एलर्जिक प्रॉब्लम इतनी सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नियमित करेंगे तीन से चार में इस प्रकार का प्रॉब्लम होगा नहीं। तात्पर्य हो क्योंकि एक रिस्क आराम करने अदरवाइज करती नहीं हूं क्योंकि थोड़ा सा करते ही ऐसा लगता है बहुत कर लिया, ये सच्चाई नहीं है। कहिएगा मस्ती से हंसते हुए मुस्कुराते हुए करना तो है ही, बहुत अच्छा है हृदय से संबंधित समस्याओं के लिए। नियमित करेंगे आपका हृदय स्वस्थ रहेगा, आप मजबूत रहेगा, उससे संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन हाथ प्रॉब्लम वालों को बहुत जोर से नहीं करना, उनको बीपी है हाथ प्रॉब्लम है स्लोली स्लोली करेंगे। करिएगा मस्ती से विश्राम, पूरा श्वास निकाल कर पूरी तरह विश्राम करें। वाओ, इस पल जैसा कोई पल नहीं। जब आप रिलैक्स हो जाएं अपने मन से